इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे. ओके बच्चों, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9. इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3, फाइंड द अदर. तो यहां आपको टू रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है -16/9, उसमें से एक रेशनल नंबर गिवन है आपको -4/3, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करके दिखाना है. तो हम उस दूसरे नंबर को कुछ मान लेते हैं बच्चों, कोई वेरिएबल. लेट द अदर रैशनल नंबर इज एक्स. ओके बच्चों, तो हम क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वन रैशनल नंबर इनटू अदर रैशनल नंबर. ओके बच्चों, अदर रैशनल नंबर. तो प्रोडक्ट क्या गिवन है आपको दो रैशनल नंबर का, -16/9 एंड इज इक्वल टू, तो हमने यहां लिख दिया, इफ वन रैशनल नंबर आपको गिवन है -4/3, अदर रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है. उस अदर रैशनल नंबर को हमने क्या माना था बच्चों, एक्स. आप चाहो तो अदर रैशनल नंबर डायरेक्ट लिख भी सकते हो, लेकिन ये काफी लेंथी पड़ जाता है, इसलिए हम इसको एक अननोन वेरिएबल मान लेते हैं और इसी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं. तो अब एक्स को हम यही रहने देंगे बच्चों. अब यहाँ देखिए, एक्स के साथ जो 4 है बच्चों, -4 वो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि -16/9 लिख दीजिए आप. 4 जाएगा डिवाइड में, यानी कि 9 के पास. ओके बच्चों, और 3 एक्स के साथ क्या है बच्चों, डिवाइड में है ना, अपॉन में है, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया ऊपर मल्टीप्लाई. आया बच्चों समझ में, एक्स के साथ जो भी रिजल्ट मल्टीप्लाई में होगा वो जाएगा डिवाइड में, और जो एक्स के साथ डिवाइड में होगा वो जाएगा मल्टीप्लाई में. ओके बच्चों, अब कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दीजिए, 3 × 1 = 3. अच्छा बच्चों, ये माइनस का भी 4 है, तो ये साइन लगा दीजिए माइनस का 4. ओके बच्चों, चलो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16. तो आपके पास क्या बचा बच्चों, 4 × 1 = 4 एंड 3 × 1 = 3. तो 4/3 आपका क्या हो गया, वो अदर रैशनल नंबर हो गया जिसका आप मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 से, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, -16/9. सो हेंस 4/3 इज द अदर रैशनल नंबर. ओके बच्चों, यही है आपका आंसर. थैंक यू.